हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। आज हम एक नया और बहुत ही रोचक शब्द सीखने जा रहे हैं और वो शब्द है एडॉर्न। हिंदी में इसे कहते हैं सजाना। ये शब्द बहुत ही सुंदर और उपयोगी है। सजाना का मतलब है किसी भी चीज को और खूबसूरत बनाना। यह शब्द किसी भी चीज को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हो, उसने अपना कमरा परी लाइट से सजाया। परी लाइट से कमरा और भी सुंदर और आकर्षक लगने लगता है। या फिर हॉल को सुंदर पेंटिंग से सजाया गया था। पेंटिंग से हॉल की शोभा और भी बढ़ जाती है। अडॉर्न बहुत वर्सेटाइल वर्ड है। इसे आप कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे घर सजाने के लिए, जैसे कि दीवारों पर पेंटिंग्स लगाकर, फर्नीचर को अच्छे से अरेंज करके, या फिर खुद को सजाने के लिए, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनकर, मेकअप करके या गहने पहनकर इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आइडियाज को भी सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे किसी प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को और भी क्रिएटिव बनाने के लिए। उसकी स्पीच प्रसिद्ध लेखकों के कोट्स से सजी हुई थी। इससे उसकी स्पीच और भी प्रभावशाली बन गई। देखा कितने अलग अलग तरीकों से एक वर्ड काम आ सकता है। अडॉर्न शब्द का उपयोग बहुत ही व्यापक है। अगली बार जब कुछ खूबसूरती से सजे हुए के बारे में बताना हो तो अडॉर्न वर्ड जरूर याद रखना। यह शब्द आपके वोकैबुलरी को और भी समृद्ध बनाएगा। सजाना मतलब अडॉर्न। इस शब्द को याद रखें और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।